आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर का एक दिवसीय सीतामढ़ी का दौरा, बाजपट्टी ने इस वक्त मौजूद हैं। चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं, क्या कुछ कहा आप लाइव सुनिए। दबंग बिहार स्टार टीवी के साथ बने रहिए। अवसर पर अयोध्या से धर्माचार्य जी लोग आए हुए थे, आचार्य जनार्दन दास जी आए हुए थे और बहुत सारे लोग उसी अवसर पर जमा हुए थे। तो भगवान बुधायन का दर्शन करने आए थे और जो सार्वभौम स्वामी वासुदेवाचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी था जी, और उसी संदर्भ में बातें हुई हैं सभी प्रधानाचार्यों से कि किस तरह से बुधायन के पूरे परिसर को, भगवान बुधायन जयंती के समय पर पूरे उस पूरे बाजपट्टी का जो बुधायन मंदिर है उस परिसर को किस तरह से और सुशोभीकरण किया जा सकता है। बहुत सारा काम पहले भी माननीय मंत्री जो वहाँ की भूतपूर्व विधायक थी रंजू गीता जी, डॉक्टर रंजू गीता जी, उन्होंने पहले भी करवाया हुआ था। अन्य मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे वहाँ और बहुत पसंद हुए थे उस जगह को देखकर। और भी जो सुशोभितकरण कराना है उसकी चर्चा हुई है, तो उस पर सरकार की तरफ जो जो भी ज़रूरतें हैं उसको भेजा जाए सरकार की तरफ। मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था इस बोधायन मंदिर परिसर में, उन्होंने ये कहा था कि इस मंदिर को पंचवटी के रूप में विकसित करना है। विकास का काम आपने देखा है, काफ़ी काम उसके बाद हुआ है और भी काम निश्चित रूप से सरकार की तरफ से बाकी है, उसको किया जाए। लोगों का मान ये भी है कि रामायण सर्किट जो ट्रेन सीतामढ़ी आती है, पर्यटकीय खासा उसमें पर्यटक लोग उसमें ज़्यादातर रहते हैं, उन्हें भी ये इस बोधायन मंदिर के बारे में कुछ जानकारी मिले और यहाँ आए, लोगों का यहाँ मांग मिले। जरूर निश्चित रूप से मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। जो भी माँ सीता की धरती पर आएंगे सीतामढ़ी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो पूरे रामायण सर्किट है, माँ सीता जहाँ जहाँ गई, यहाँ बहुत सारी जगह हैं। पंथ पाकर है जहाँ पर माँ सीता की डोली, जब वो वहाँ से उनका विवाह हुआ जनकपुर में और उसके बाद से वहाँ से आने लगे तो वहाँ पर रुके थे, उनकी डोली वहाँ रुकी थी पंथ पाकर में। ऐसे सीतामढ़ी में बहुत सारे ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण जगह हैं धार्मिक दृष्टिकोण से, तो निश्चित रूप से उस समय भगवान बुधायन की जो धरती है उसकी भी चर्चा होगी, जानकारी लोगों को दी जाएगी। लोगों का ये भी मांग है कि भगवान बुधायन की जीवनी और उनकी प्रतिमा स्टेशन परिसर पर भी लगाया जाए। अब ये तो सरकार उस पर निर्णय लेगी। आपकी ओर से क्या प्रयास किया जा रहा है? मेरे ओर से इस पर मैं सभापति के रूप में उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं मेरा सभापति का जो दायित्व है वो अलग है, लेकिन निश्चित रूप से अगर सरकार सही समझे तो उसको कराएंगे निश्चित रूप से। यहाँ पे कुछ बनाने का शायद वादा किए तो वो तो ठीक है, वो तो हमारा विधायक है तो विधायक लोगों को कुछ विकास की राशि मिलती ही है।